समझ लीजिए आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको दिल का दौरा पड़ा. अरे मुझे क्यों पड़ेगा दिल का दौरा? नहीं, आपने मुझे ही क्यों चुना? आप डॉक्टर है ना? वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, व्हाटएवर, सेम थिंग. मान लीजिए ये आपका कमरा है और आप यहाँ लेटे हुए हैं. अरे ये सब कहाँ है सर? उस रिपोर्ट में डॉक्टर चुप के आने के बाद का डिस्क्रिप्शन है. उससे पहले क्या हुआ? लेट्स टेक अ लुक. तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको दिल का दौरा पड़ा हुआ है और आप क्या करेंगे? ये तो मैं बैठ के भी बता सकता. नहीं, आप क्या करेंगे? आप चिल्लाएंगे फॉर हेल्प? नहीं नहीं नहीं, चिल्लाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि लो ऑफ ड्यू टू लो ऑक्सीजन है. घंटी, बेल, बजर, इंटरकॉम, मोबाइल, कॉमन सेंस. वैसे तब मोबाइल नहीं था. अनंत जी, आपके हिसाब से ये बेल, बजर, इंटरकॉम कहाँ होना चाहिए था? बेड के पास. और अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री हो तो और पास. मैं आप सबको बता दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के कमरे में ना बेल था ना बजर, एंड दैट्स अ फैक्ट. दैट्स इनकरेक्ट. उनके स्वीट में दो फोन और एक बजर था. अगर कोई डॉक्टर स्वर्ण सिंह के बयान को बारीकी से पढ़ने की कोशिश करे तो उसमें खुलासा लिखा है. यस, अपार्ट फ्रॉम द टू टेलीफोन्स फॉर इंटरनल एंड इंटरनेशनल कॉल्स फिटेड इन द पीएम सूट, देयर वाज आल्सो अ थर्ड टेलीफोन विद अ बजर व्हिच कुड बी एक्टिवेटेड बाय सिंपली लिफ्टिंग द रिसीवर. See? This instrument was available for the PM's use to call any member of his personal staff or the doctor in case of need. Foreign Minister statement in the Parliament 16 February 1966. उन्होंने बजर या बेल दबाया क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ बेल या बजर था ही नहीं. एग्जैक्टली, वहाँ बेड के पास. विदेश मंत्री ने बहुत चलाकी से पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश किया था. वहां बाजार भी था और बेल भी था. उस ढांचे में दो रूम थे, एक बेडरूम और एक सिटिंग रूम. अब सवाल यह उठता है ये बाजार या बेल कौन से रूम में था? Exactly. Oh, come on, Shyam. This is... Oh, come on. अरे ठीक, चलो कोई बात नहीं, कोई बात. ये समझो कि हम में से यहाँ किसी फैमिली में कोई दिल का मरीज है. हमारे ससुर जी है ना. अरे वेरी गुड, वेरी गुड. आपके ससुर दिल का मरीज है. तो बेलिया बाजार आप ससुर जी के कहाँ रखेंगे? पास रखेंगे या रसोई खाने में? पास. और यही सवाल माननीय वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में उठाया था.